स्टेट टाइम्स की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मायरा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पीएम मोदी के जम्मू दौरे से पहले पाकिस्तान की नापाक हरकत, आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग। पुंछ जिला में एलओसी के पास एक्सप्लोजिव शेल को देखा गया, जिसके बाद भारतीय सेना द्वारा इसे डिफ्यूज किया गया। जम्मू में पिछले साल अक्टूबर में अपनी मां और अपनी बेटी की हत्या के आरोप में जगदेव सिंह जेल में था, जहां इस व्यक्ति ने जेल के अंदर ही आत्महत्या कर ली। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने अपने पुंछ के दौरे के दौरान लोगों से शांति और एकता बनाए रखने की अपील। जम्मू कश्मीर में तापमान में आई बढ़ोतरी, लेकिन कश्मीर में अभी भी ठंड जारी, 17 तक रहेगा मौसम खुश्क। कश्मीर घाटी से मामला, नाबालिग से बलात्कार के दोषी को हुई 10 साल की जेल, 50,000 का हुआ जुर्माना। बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा ममता बनर्जी के खिलाफ प्रोटेस्ट, महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाई आवाज। स्टेट टाइम्स के बुलेटिन में अब इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। आप ऐसे ही देखते रहिए स्टेट टाइम्स।